वीडियो में हम टीवी 9 नेटवर्क को लेकर बात करेंगे जिनके काफी न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, जैसे कि टीवी 9 तेलुगु, टीवी 9 कर्नाटका, इसके अलावा यहाँ पर आपका टीवी 9 भारतवर्ष भी चलता है, टीवी 9 मराठी भी चलता है। तो यहाँ पर उनका एक इंग्लिश न्यूज चैनल भी हुआ करता था जिसका नाम था न्यूज 9, वो हमारे लिए हाल ही में बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक तेलंगाना न्यूज चैनल भी है जिसका नाम है टीवी 1, तो ये भी हमारे लिए जल्द ही ट्रांसमिशन ऑफ होने वाला है। अब बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है हमारे लिए दो चैनल जो ऐसे हैं वो बंद होने जा रहे हैं, तो साथ ही में एक चैनल ऐसा है जो उनकी ओर से लॉन्च भी होने जा रहा है। अब ये चैनल्स कौन से हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के आगे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो बताना चाहूंगा जैसे कि आपको मैंने बताया कि न्यूज 9 जो उनका इंग्लिश न्यूज चैनल था उन्होंने हाल ही में बंद कर दिया, उसे केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कर दिया। तो ये जो है आपको सीबैंड सैटेलाइट पर जो है देखने को नहीं मिल पा रहा होगा, और अगर आपको मिल भी रहा है तो वो पुराने रीरन्स जो है प्रोग्राम्स वही चला रहा है, यानी ऑफिशियली ट्रांसमिशन जो है वो इस चैनल को ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा एक और चैनल है इनका जिनका नाम है टीवी 1, और एक खासकर तेलंगाना न्यूज चैनल था, तो ये भी जो है जल्दी ही हमारे लिए बंद होने वाला। तो दो चैनल जो ऐसे हो गए जो आपको मैंने बताए बंद होने जा रहे हैं। अब उस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिए लॉन्च होने जा रहा है। तो उस चैनल का नाम है टीवी 9 बांग्ला। जी हाँ, आपको मालूम होगा इनका मराठी में भी अच्छी सी खासी प्रेजेंस बनी हुई है, और उन्होंने हाल ही में हिंदी न्यूज चैनल नेशनल का भी शुरू कर लिया है भारतवर्ष, और अब जो उनकी अगला टारगेट है वो है बंगाली मार्केट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीवी 9 बांग्ला को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही आपके टीवी स्क्रीन पर टीवी 9 बांग्ला अवेलेबल हो जाएगा। ये जो चैनल होगा फ्री टू एयर होगा, पेड नहीं होगा, और यहाँ पर खास बात यह है कि सभी डीटेच प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, वीडियो कॉन, डी टू एच, यहाँ तक कि आपका सनटेक में भी अवेलेबल किया जाएगा। बाकी इस चैनल को लेकर अगर मैं कोई भी सवाल कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।